हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है अपना गार्डेनिया का प्लांट। अब ये प्लांट के ऊपर एक चीज़ आप नोटिस करिए, इसके ऊपर बहुत सारे लीव्स आ चुके हैं और लीव्स की कंडीशन जैसे कि आप देखोगे, बहुत ही बड़ी बड़ी साइज़ के लीव्स इसके ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं। मेरी चार उंगली के बराबर भी एक लीव्स उससे भी ज़्यादा बड़ा है। तो इतने बड़े और हेल्दी लीव्स आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक भी फ्लावर बर्ड इसके ऊपर नहीं है। चीज़ फ्रेंड्स हमें सबको समझनी होगी कि जब आपके यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, हैवी रेनफॉल्स हो रहा है, तब आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग्स देंगे। अब ये चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही प्लांट आपका ब्लूम्स देगा। यहाँ पे आप मिस्टेक ये कर लेते हो कि फ्लावरिंग्स लाने के लिए आप फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र प्लांट को देते रहोगे और फाइनली मॉनसून की सीज़न में आपके प्लांट ठीक से ग्रो नहीं हो पाएंगे। उल्टा वो पेस्ट अटैक हो जाएगा, फंगल इन्फेक्शन लग जाएगा, रूट रॉट हो जाएगा, दुनिया भर की तकलीफ आ जाएगी अगर ओवर फर्टिलाइज़र, अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर आप अपने पौधे को दे रहे हो। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपने गार्डेनिया हुआ, रोज़ हुआ या तो हाइबिस्कस हुआ, अगर आपके यहाँ मॉनसूनस फुल है, हमेशा क्लाउडी क्लाइमेट रहता है, काले काले बादल आपके यहाँ रहते हैं और डेली की बारिश हो जाती है, सनलाइट बिल्कुल आती नहीं है, तो ऐसे में आप अपने पौधे को फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि पौधा अपने आप ही बारिश और क्लाइमेट और आपके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप ही वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसको फ्लावरिंग्स देना होगा तो वो अपने आप ही फ्लावरिंग्स देगा, लेकिन अगर आप फ्लावरिंग्स के लिए एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स वगैरह डालोगे तो बाद में वो प्लांट को नुकसान करेगा। नुकसान डायरेक्ट ओवर फर्टिलाइजेशन का नहीं होगा, प्लांट की इम्यूनिटी को वो वीक कर लेगा। तो इसीलिए अभी आराम से पेशेंस से रहिए, प्लांट को अभी कुछ भी मत करिए। जैसे कि अभी ये जो गार्डेनिया का प्लांट देख रहे हो, मैंने ये प्लांट के पीछे किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र नहीं डाला। जब तक जून महीने तक, यानी कि 15 जून से पहले पहले मैंने ये प्लांट को फर्टिलाइज़र किया था, 15 जून से जुलाई के बीच में मैंने ये प्लांट को फर्टिलाइज़र किया था, लेकिन जब से मेरे यहाँ लगभग 20-25 दिन से मेरे यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ये 20-25 दिन में मैंने अपने ये गार्डेनिया के पीछे किसी भी टाइप का फर्टिलाइज़र नहीं डाला। एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि ये जो सीज़न है, ये सीज़न के दरमियान आप अपने गार्डेनिया के प्लांट को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी मत दीजिए। जितनी ज़्यादा बारिश होती रहेगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स चिकनाहट क्रिएट करेंगे और वो चिकनाहट प्लांट के अंदर रॉटिंग भी क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी अभी अवॉइड कीजिए, प्लांट को ओपन में रख लीजिए, ओपन में बारिश का पानी उसके अंदर जाने दीजिए। एक ही चीज़ का ध्यान दीजिए कि बारिश का पानी आपके मीडिया में रुकना नहीं चाहिए। अगर आपके मीडिया में बारिश का पानी रुक गया तो वो आपको, आपके प्लांट को बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करने देगा। तो करना ये है कि प्लांट को रिपॉट कर लीजिए, बाहर निकालिए और प्लांट के जो बेस में जो अच्छी तरह उसका ड्रेनेज सही कीजिए और उसके बाद फिर से प्लांट को उसके अंदर डाल दीजिए। मैंने ये जो प्लांट लगाया है वो 100% कोकोपीट में लगाया है, इसके अंदर किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं है। अब जैसे कि देख रहे हो ध्यान से, ये जो कोकोपीट है, ये कोकोपीट अब धीरे धीरे करके डिकम्पोज हो चुका है। इसका जो कलर देखोगे एकदम ब्लैकिश हो चुका है। अब ये जो कोकोपीट जैसे ही डिकम्पोज होता है वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेगा और यही न्यूट्रिएंट्स के दम पे अभी जो मेरे प्लांट है वो ग्रो होते ही रहे। मैंने ये जो प्लांट के पीछे बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, मैंने ये प्लांट के पीछे मॉनसून की सीज़न में ये वो उल्टा सीधा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। बस ये कोकोपीट का जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर निकलते जाते हैं वही न्यूट्रिएंट्स वो एब्जॉर्ब करता जाता है और ये प्लांट ग्रो होता रहता है। बारिश के पानी से जो न्यूट्रिएंट आते हैं वो लेता रहता है, एटमॉस्फेयर में एक्सेस नाइट्रोजन जो मौजूद है वो लेता रहता है, जिसकी वजह से उसके जो पत्ते हैं वो बड़ी साइज़ के आना स्टार्ट हो चुके हैं और हेल्दी और ग्रीन लीव्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। बस यही चीज़ मैंने की है, इसके अलावा ये गार्डेनिया के पीछे कुछ भी नहीं किया। तो अगर आप भी अपने गार्डेनिया को सेम ऐसे ही ट्रीट करोगे, अगर आप 100% कोकोपीट में आप अपने गार्डेनिया को लगाओगे और बाद में उसको ओपन बारिश में छोड़ दीजिए, प्लांट अपने आप ही ग्रो होगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि अगर आप प्लांट लगाते हो तो प्लांट ने जो पहले पहले जो न्यूट्रिएंट्स स्टोर किए हैं उसकी टॉक्सिसिटी भी क्रिएट होती है। टॉक्सिसिटी कैसे क्रिएट होती है, जैसे कि आपके प्लांट के जो पत्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट ग्रीन और येलोइश होना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़े वाइटिश ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी क्रिएट हो चुकी होती है। जब ऐसी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तब आपको
माइक्रोन्यूट्रिएंट का और आयरन का स्प्रे करना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ग्राम प्लस चिलेटेड आयरन 1 ग्राम, दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करिए और स्प्रे करिए। 2 से 3 स्प्रे में ही आपके प्लांट के ऊपर हरे भरे पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। बस इतना ही करना है। उसके अलावा आप अगर बैलेंस NPK 12x60 ये वो डालना शुरू कर लेंगे तो प्लांट आपका और भी ख़राब हो सकता है। मे बी चांसेस है कि प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर दे, बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर दे, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे NPK या तो 12x60 देते रहोगे तो बाद में प्लांट के ऊपर दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है, वो है फंगस का। तो कभी भी रेगुलर बेसिस पे NPK वगैरह मत दीजिए। अगर आपको इनिशियली ग्रोथ बूस्ट करनी है तो 2 बार या 3 बार आप 12x60 या तो बैलेंस NPK इसको प्रोवाइड कर सकते हो, उसके रूट जोन में प्रोवाइड कीजिए ताकि ओवरऑल सारे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और बाद में आप 2-3 बार के एप्लीकेशन के बाद बंद कर लीजिए। जो भी काम करेगा वो बारिश का पानी करेगा और जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वही काम करेगा, बाकी आपके साइड से आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यही जो चीज़ है अभी मैंने गार्डेनिया के पीछे मैंने फॉलो की है। सबसे आखिर में कि फ्लावर्स देगा हमारा गार्डेनिया मानसून की सीज़न में, देखिए फ्लावर्स के लिए प्लांट को अच्छी खासी सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। अभी हमारे पास ज़्यादा सनलाइट नहीं है, सनलाइट की बजाय अभी हमारे पास मैक्सिमम नाइट्रोजन मौजूद है जो एटमॉस्फेयर में अभी अवेलेबल है, और इजीली विदाउट मेहनत प्लांट वो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन करता ही रहता है। आप कुछ भी कर लो वो नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन प्लांट कर ही लेगा। तो वो नाइट्रोजन का प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी वजह से प्लांट फ्लावरिंग्स कम देगा और पत्ते ज़्यादा निकालेगा, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है प्लांट की, उसमें हमें बीच में इंटरफियर नहीं करना है। अगर आपका प्लांट फ्लावरिंग्स नहीं दे रहा है तो मत लीजिए, प्लांट के ऊपर से अभी पत्ते लेते रहिए। जैसे ही फ्रेंड्स आपके यहाँ बारिश कम हो जाएगी और सनलाइट और धूप अच्छी निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ह्यूमिडिटी जो रहेगी अराउंड 60-70% के आसपास ह्यूमिडिटी रहेगी, तब अगर आप अपने प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे जैसे कि 12x60 बैलेंस NPK 052-34 13-40-13 ऐसे फर्टिलाइज़र अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका प्लांट सनलाइट भी मिलेगी, आपका प्लांट फ्लावरिंग्स भी देगा और फर्टिलाइज़र का वो यूटिलाइजेशन भी कर पाएगा। तो ये एक सीधी चीज़ है जो आपको समझनी होगी। अगर आप फ्लावर्स लेना चाहते हो तो ये मत सोचिए कि भाई बारिश हो रही है और आपका प्लांट फ्लावर्स देगा, अगर उसको देना है तो वो अपने आप ही देगा। अगर नहीं देना है आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, प्लांट आपका फ्लावर्स नहीं देगा। अगर दिया तो एकाध फ्लावर दे के वो गिर भी जाएगा, ऐसे कंडीशन में वो फ्लावर देगा, तो ऐसे फ्लावर्स हमें नहीं लेने हैं। तो इसीलिए नॉर्मली प्लांट को छोड़ दीजिए क्लाइमेट के भरोसे, क्लाइमेट ही सारा काम करेगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।